सड़कों के गड्ढों पर शुरू हुआ हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। गुलाब तूफान की दस्तक और पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से मुंबई के लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। बारिश का पानी गड्ढों में भरने के बाद हादसों की आशंका बढ़ गई है, और यही नहीं, गड्ढों की वजह से ही पिछले कुछ दिनों से मुंबई को लंबे जाम का सामना करना पड़ रहा है, और जाम की मुसीबत आज भी मुंबई वालों के लिए परेशानी का सबब बन गई। सवाल यह है कि मुंबई आखिर हर मौसम में गड्ढों में क्यों समाने लगती है? गुलाब तूफान की दस्तक और सड़कों पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढों ने मुंबई की रफ्तार धीमी कर दी है। सड़कों के गड्ढों की वजह से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से सड़कों पर लंबा जाम लग रहा है। आज की सुबह भी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे समेत कई इलाकों में भारी जाम दिखाई दिया। जाम का असर मुंबई के आसपास के इलाकों में भी नजर आया। ये हालात देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की सड़कों के हैं। सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं और उनके बीच सड़क ढूंढना मुश्किल है। गड्ढों की वजह से लोगों के गिरने और हादसों के होने की आशंका बढ़ गई है। मैं इस समय कांदीवली इलाके में हूँ। कांदीवली के ठाकुर कॉम्प्लेक्स में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये मेन रोड है जहाँ पर सड़क फिलहाल नहीं बची है, सड़क पर सिर्फ गड्ढे ही आपको दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ से चलते जाइए 1 किलोमीटर तक, ये लगातार गड्ढे आपको दिखाई पड़ेंगे, और इससे जुड़ा हुआ जितना रास्ता है उन सभी रास्तों पर इसी तरीके की तस्वीरें हैं। बारिश ने लोगों की मुसीबत को दुगना कर दिया तो उनका गुस्सा बीएमसी पर फूट पड़ा। गड्ढे एक दो बार भरा गया था बीच में, लेकिन ये गड्ढे फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। आज भरते हैं, कल सुबह में फिर वैसे हो जाते हैं। मैं तो यहाँ 12 साल से हूँ, लेकिन ये गड्ढे कभी भरे नहीं। 10-15 साल में तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। मिट्टी डाल के खड्डा थोड़ी पाटा जाएगा, मिट्टी डाल देंगे फिर वो उछड़ के निकल जाता है। तो इस प्रकार का जो काम कर रही है व्यवस्था, उस प्रकार से काम नहीं, ढंग से अगर काम होगा तो ही कुछ होगा। कम से कम इतना पंचर हो जाता है, पहले 30 रुपया पंचर का था, अभी 50-60 रुपया कर दिया है। इतना बड़ा बड़ा खड्डा होता है, कमर समझो ना, 1 फीट नीचे चला जाता है। ये 100% भ्रष्टाचार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये 14,500 रुपए, मैंने अभी कल देखा कि एक गड्ढे बुझाने के लिए बीएमसी 14,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगाती है, तो वो कहाँ जाता है? इस मिट्टी को देख के आप लगाइए, क्या अंदाजा है? सड़कों पर गड्ढों ने लोगों की परेशानी ऐसी बढ़ाई कि महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे को खुद सड़क पर उतरकर हालात का जायजा लेना पड़ा और गड्ढों को जल्द भरने के निर्देश देने पड़े। मुंबई वासियों के लिए गड्ढों की मुसीबत की जिम्मेदार बीएमसी पूरे शहर में 900 गड्ढे होने का दावा कर रही है, लेकिन अकेले कांदीवली की करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क के हिस्से पर 1000 से ज्यादा गड्ढे होने का दावा किया गया। बीएमसी और थाने महानगर पालिका का चुनाव मुहाने पर खड़ा है, ऐसे में सड़क पर पड़े गड्ढे और लोगों को हो रही परेशानी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार का सियासी समीकरण बिगाड़ सकती है। यही नहीं, वर्षों से बीएमसी और थाने महानगर पालिका में काबिज शिवसेना की गद्दी भी हिला सकती है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के एक मंत्री को सड़क पर उतरकर गड्ढे देखने पड़े और खुद मुख्यमंत्री को हाई लेवल मीटिंग बुलानी पड़ी। साथ ही मुख्यमंत्री को अधिकारियों को ये निर्देश देने पड़े कि सड़क पर पड़े गड्ढे तुरंत भरे जाएं, जिससे लोगों की मुसीबतें कम हो सके। बीजेपी का आरोप है कि गड्ढों के नाम पर बीएमसी ने 48 करोड़ का बजट रखा था। बजट तो खत्म हो चुका है लेकिन गड्ढे नहीं। जबकि मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का दावा है कि अब तक 42,000 गड्ढों को भरा जा चुका है। हकीकत में सड़कों के गड्ढे और उसमें भरा पानी बीएमसी के दावों को मुंह चिढ़ाते नजर आते हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने बीएमसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उसके दफ्तर पर धरना दिया। विपक्ष के हमलों का जवाब मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने दिया। उन्होंने बीजेपी पर पलटवार करते हुए गड्ढों के मुद्दे पर सियासत करने का आरोप लगा दिया। किशोरी पेडनेकर ने दावा किया कि अगले 15 दिनों में मुंबई को गड्ढों से निजात मिल जाएगी। अमिता, आमचे वार्ड रस्ते हे नक्कीच चकाचक असले पाहिजे, किंवा किमान खड्डे विरहित असले पाहिजे। कडक धोरण घेऊन कालच्या मीटिंग मध्ये सगळ्यांना ते निर्देश दिलेले। गड्ढों के मुद्दे पर खुद को घिरते देख बीएमसी भी एक्शन में आई और समीक्षा बैठक कर 24 वार्डों के असिस्टेंट कमिश्नरों को और इंजीनियरों को सुबह से ही सड़क पर उतरकर गड्ढों को भरने के आदेश दे दिए। दिन में सड़क पर जाम ना लगे, इसके लिए रात में ही गड्ढे भरने के आदेश दिए गए। मुंबई की सड़कों पर गड्ढों से लोग परेशान हैं और सियासत गरमाई है, लेकिन इंतजार इस बात का है कि तमाम दावों के बीच आखिरकार मुंबई को गड्ढों से निजात कब मिलेगी।
मुंबई और ठाणे में पिछले कुछ दिनों से गड्ढों को लेकर मामला और सियासत दोनों गरमाई हुई है। गड्ढों पर महाराष्ट्र सरकार को बीजेपी ने ही नहीं एमएनएस ने भी कुछ दिनों पहले ही निशाने पर लिया था। एमएनएस ने सड़कों के गड्ढों वाली 500 तस्वीर की एक प्रदर्शनी लगाई थी। मुंबई में बारिश के मौसम में गड्ढों की वजह से सड़क दुर्घटना में कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। इसके अलावा आए दिन गाड़ी चलाने वालों को परेशान होना पड़ रहा है। ट्रैफिक जाम की समस्या भी बनी हुई है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी गड्ढों के मुद्दे